Welcome to our YouTube channel Full Concept by Muhammad Tahir. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्सटेंस. कल हमने पढ़ा था अबाउट केमिस्ट्री, मैटर, इसके साथ साथ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और साइंस की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में हमने बात की थी. आज हम केमिस्ट्री के क्लास 9 के एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे. सब्सटेंस सबसे पहले इसकी यूनिट क्या है. सो सब्सटेंस की SI यूनिट है वो है मोल, विच इज रिप्रेजेंटेड SMOL. अब हम इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं. सब्सटेंस इज द पेवर फॉर्म ऑफ मैटर. मैटर के बारे में हमने कल पढ़ा था खूब डिटेल के साथ. पेवर फॉर्म, पेवर फॉर्म का यहाँ पर मतलब आम जगहों पर जब हम पेवर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ये वो वाला पेवर नहीं है, लाइक पेवर हम खालिस नहीं. यहाँ पर पेवर के दो मतलब है, एक इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट और दूसरा जो है ना इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड्स. सो एलिमेंट के में पेवर का मतलब क्या है, सिमिलरिटी. मतलब ये कि इस एलिमेंट में एक जैसे सिमिलर एटम होंगे. सो द पेवर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, द पेवर फॉर्म. अब आप जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में लिखेंगे ना तो आपने इस तरह प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको इस पे चार नंबर मिलते हैं. तो इसको इसकी पहले हेडिंग दे दें, फिर आप इसकी यूनिट लेके, फिर प्रॉपर इसकी डिफिनीशंस. हम इन अदर वर्ड्स में सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ अ पावर फॉर्म ऑफ मैटर which has a definite properties and composition is called substance. ये मैटर की एक पेवर फॉर्म होती है सब्सटेंस, जिसकी डिफिनिट प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर दोनों है, केमिकल भी ले सकते हो और आप ये फिज़िकल भी ले सकते हो. एंड कंपोजिशंस, कंपोजिशन मतलब कि सब्सटेंस किस चीज़ से बना है, विच हैव अ डिफिनेट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशंस. मतलब ये कि ये बेसिकली किस चीज़ से बना. अब यहाँ पर मैंने इस पेवर के लफ्ज़ की पूरी एक्सप्लेनेशन दी है के पेवर का यहाँ पर क्या मतलब है. हम कहते हैं ना बचपन से हम भी पढ़ते थे, इस तरह के डाउट्स हमें भी आए, तो इसलिए मैं सब किस्म के डाउट्स को दूर करने के लिए आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. अब पेवर फॉर्म का मतलब एलिमेंट के अंदर क्या है. एलिमेंट के अंदर पेवर फॉर्म का मतलब है सिमिलरिटी. सिमिलरिटी मतलब इसकी कंपोजिशन जो है ना वो सेम किस्म के एटम से हो, मतलब सेम किस्म के एटम से हो, इसमें एक प्रॉपर सिमिलरिटी हो. लाइक अगर ये लेट सपोज एक ख़ास किस्म की एलिमेंट से ये पोर्शन बना है, तो इनके अंदर तमाम जो यहाँ से यहाँ जो चीज़ें हैं वो सेम इकाइयों से बने हो. सो दैट इज़ कॉल्ड अ पेवर फॉर्म. अब कंपाउंड में क्या हम कैसे कहते हैं ये पेवर फॉर्म. पेवर फॉर्म हम कंपाउंड में भी यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड रेशो. मेन कंपाउंड तब बनेगा जब कोई भी कंपाउंड लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करता है. लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन मतलब ये है कि हम जो कंपाउंड बनाते हैं लैब्स में या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो कंपाउंड बनता है सो वो प्रॉपर रेशो में बनेगा. मतलब हमारे पास एक H2O, लेट सपोज हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है H2O, सो ये 2:1
वन जिसमें दो हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन की कंपोजिशन वाटर है। अब अगर हम इसमें एक ऑक्सीजन को और ऐड करें तो ये 2:2 बन जाएगा, जो हमें मुकम्मल डिफरेंट कंपाउंड देगा और वो कंपाउंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन यहाँ पर सॉरी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सो एक कंपोजिशन की वजह से पूरे कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ पूरा कंपाउंड ही बदल जाता है। सो यही था पेवर का मतलब। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस को देखते हैं। सब्सटेंस को अगर हम ब्रॉडली जो है ना एक्सप्लेन करें ब्रॉडली, सो सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया 2 कैटेगरीज में। दिस पेवर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड, जो पेवर सब्सटेंस है वो अगले डिवाइड हुआ है 2 कैटेगरीज में। एक होता है एलिमेंट एंड द अदर इज कंपाउंड्स। एलिमेंट को हम उर्दू में आंसर कहते हैं और कंपाउंड को हम मुरक्कब कहते हैं। एलिमेंट को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एलिमेंट को हम थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसके सिंबल्स यूज करते हैं, सिंबल्स। और अगर हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं थ्योरेटिकली तो हम यूज करते हैं केमिकल फार्मूला। सी सो अगर हम इस लेक्चर में एलिमेंट को विद डिटेल स्टडी करेंगे और जो कंपाउंड है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो एलिमेंट क्या होता है, जो कि सब्सटेंस को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है एलिमेंट एंड द अदर इज कॉल्ड कंपाउंड। सो कंपाउंड को हम इस लेक्चर्स एलिमेंट्स को सॉरी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कंपाउंड को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। एलिमेंट्स के बारे में हम इसकी डिफिनीशन सबसे पहले पढ़ते हैं। इट इज़ अ पेवर सब्सटेंस। पेवर सब्सटेंस पेवर के बारे में तो आपने खूब जान लिया। पेवर यहाँ एलिमेंट है तो मतलब ये सिमिलरिटी के बिना पे जिसमें सेम किस्म के सेम चीज़ से बना हो, ओवरऑल सेम हो, विच के नॉट बी डिकम्पोज फर्दर इनटू सिंपलर। एक पेवर सब्सटेंस जो एलिमेंट क्या होता है, एक पेवर सब्सटेंस जो फर्दर डिकम्पोज ना हो अदर सिंपलर सब्सटेंस में। मतलब ये कि एक ऐसा सब्सटेंस ऐसा शे जो फर्दर जो है ना डिवाइड्स ना हो जाए, फर्दर डिकम्पोज या डिवाइड डी मतलब दोबारा कंपोस्ट, डिकम्पोज मतलब ख़त्म हो जाना, फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंस जो अदर सादा जो चीज़ों में तब्दील ना हो जाए बाय ऑर्डिनरी फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस। बाय ऑर्डिनरी फिज़िकल जो ना फिज़िकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस पे फर्दर डिकम्पोज ना हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। अ पेवर सब्सटेंस विच के नॉट बी डिकम्पोज फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एन ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एक ऐसा पेवर सब्सटेंस जो फर्दर डिकम्पोज ना हो जाए
other simpler substances may, while we do chemical process or physical process. In other words, a substance, इसको हम आसान लफ्ज में अगर जानना चाहते हैं, a substance whose all the atoms have same atomic number, एक substance जिसमें तमाम जो atoms है वो same atomic number हो, so उसे हम element, is called element, is called element. अगर हमारे पास यहाँ पर सोडियम की एक एलिमेंट है, तो ये सोडियम का जो एलिमेंट है ये डिफरेंट साइड, ये मुख्तलिफ, ये सॉरी, ये बहुत से सोडियम के एटम से बना होगा, बहुत से सोडियम तो ये सोडियम का जो है ना, यहाँ पर ओवरऑल इसकी एटॉमिक नंबर 11 है. इस एलिमेंट की आप एटॉमिक नंबर देखें सो यहाँ पर भी एन ए 11, यानी इस तमाम जो होल इसमें एटम्स है उसकी एटॉमिक नंबर सेम 11 ही होगा. लेट सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, सो हाइड्रोजन एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट, ये हमारे पास सोडियम एलिमेंट है. सो ये बना होता है सेम तरह के हाइड्रोजन, ये बहुत क्लोजली होते हैं, सही, सॉरी, हाइड्रोजन तो गैस है तो इसकी तो इस तरह कंपोजिशंस पॉसिबल नहीं है, पर खैर. सो ये डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन एटम से बना होता है. यहाँ पर भी हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती, इस होल में हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है. अब हम कुछ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं. अगर आपसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाए या जो है ना एमसीक्यूज़ में कि हमारे पास जो पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं तो इसमें कितने नेचुरली अकरिंग है, मतलब आर्टिफिशियल मैनमेड नहीं है, कितने नेचर्स में पाए जाते हैं, तो आपने सिंपली 92 जो एलिमेंट्स है पीरियाडिक टेबल में वो हमारे पास नेचुरली अकरिंग है, 92. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियाडिक टेबल कितनी है, मतलब अभी तक ये पीरियाडिक टेबल जो है ना कितने एलिमेंट की कंपोजिशन है, सो आपने सिंपल जवाब देना है कि ये 118 एलिमेंट्स इसमें मौजूद है. पीरियाडिक टेबल में 118 जो है ना एलिमेंट्स मौजूद है. इसमें एक और कंसेप्ट आता है ट्रांसोरेनिक एलिमेंट्स, बाद औकात इसको भी 9-10 के एग्जाम में मैंने देखा है, वो पास्ट पेपर मैंने देखे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, शॉर्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज ट्रांसोरेनिक एलिमेंट्स. सो मैंने कहा कि इसको भी इस एलिमेंट के पोर्शंस में डिस्कस करूं. सो ट्रांसोरेनिक एलिमेंट्स क्या है, इस सिंपल, वो ट्रांसोरेनिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होता है जिसकी एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा है, मतलब वो एलिमेंट्स जिसकी एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसोरेनिक एलिमेंट. ट्रांसोरेनिक इसकी डिफिनीशन अगर हम इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो ट्रांसोरेनिक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 92. 92 से जितने भी ज़्यादा का एटॉमिक नंबर है
जितने एलिमेंट के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 92 का, सो वो क्या उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांसुरैनिक एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये ट्रांसुरैनिक एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, सो पीरियाडिक टेबल में अभी तक 118 एलिमेंट्स दरियाफ़ हुए हैं, लेकिन 92 तक तो वो तो नॉन ट्रांसुरैनिक एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो 26 बाकी एलिमेंट्स हैं दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसुरैनिक एलिमेंट बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर इज़ अबव द 92। ओके, सो नेक्स्ट हम इसके एलिमेंट्स के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जब हम करते हैं, ये जो पीरियाडिक टेबल बना है इट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इट टेल्स अस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बिना पे हमारे पास चार तरह के एलिमेंट्स हैं, चार तरह के एलिमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशंस है डिफरेंट शेल्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर मैंने जो, तो ये तीन रूल्स का मजमूआ, एक है इसमें अफ बाव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ करना, एक है हंड्स रूल्स, एक है पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये तीनों जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है, इम्पोर्टेंस इसकी बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बिना पे 4 कैटेगरीज है एलिमेंट्स की, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशंस एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशंस। सही। और एस जो है ना ये मेटल्स है, और पी जो है ना वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना नॉन मेटल्स है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस है कि जो डी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट है लाइक मैं अब मरकरी है, जिंक है और एक दूसरा कंपाउंड है जो डी ब्लॉक में तो है पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। वो एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है, अक्सर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो यही पूछते हैं। अब ये इस ब्लॉक एलिमेंट क्यों, इसे इस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट को क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक हो, ये सवाल अक्सर हमारी जहनों में भी पैदा होती थी उस वक्त जब मैं 9th कर रहा था। तो आज मैं आपको ये डाउट भी क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी जो है ना 9th से निकला हूँ, अभी मैं इसी दौर से निकला हूँ, तो मुझे स्टूडेंट्स के सारे किस्म के डाउट्स का पता होता है। सो इस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक में आते हो सिंपल, उसे हम इस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, लाइक इस सब शेल्स में आते हैं जो वो एलिमेंट जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी शेल्स में उसे पी ब्लॉक, डी शेल में सो डी ब्लॉक एंड एफ शेल में सो उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब हमारे पास एलिमेंट्स को जो है ना एलिमेंट्स अगर हमने पीरियाडिक टेबल बनानी होती या कुछ
दूसरी जगह एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी है। सो ये तो बहुत लंबे लंबे नाम है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, जो है ना काफ़ी पैसा भी इस पे खर्च होता है, पेपर वेस्टिंग भी है, टाइम वेस्टिंग भी है, चीप भी है। सो साइंटिस्ट की एक मजबूरी ने ये डिसाइड किया कि हम पूरे लार्ज एलिमेंट को एक शॉर्ट सी सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो बेटर होगा। तो बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, 1814 में उन्होंने अबाउट सिंबल्स, उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों ना हम इस एलिमेंट्स को सिंबल्स की तरह सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना चाहें। अब ये सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है? द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट, इस तरह आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसके नीचे लाइन ड्रा करना है ताकि जो चेकर है आपके पेपर को चेक करने वाला वो पूरी पेपर को तो नहीं देख सकता, लॉट ऑफ पेपर्स होते हैं, लाखों पेपर्स होते हैं, तो वो मेन पॉइंट को देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा और आपको मार्क्स वो देगा। सो द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट सिंबल, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। अब ये सिंबल क्या है? The symbol of an element consists of one or two letters. किसी भी element का जो symbol है वो या तो one letter या two letters से बना होता है, या तो वो one letters या two, सही है। So जो जिसके भी one letter symbols है so वो तो capital है, बस वो तो in short वो capital है। जिसमें दो जो है ना लेटर्स है, जिसमें दो लेटर्स है तो उसमें जो पहला वाला है वो कैपिटल होना चाहिए और दूसरा जो है ना वो स्मॉल होना चाहिए। ये रूल्स है बर्जीलियस ने दिए थे 1814 में। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है ऑफ वन वर्ड सिंबल, लाइक हमारे पास कार्बन है, सो कार्बन को हम सिंपली सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोरान है सो बी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल। ऑक्सीजन्स ओ से, हाइड्रोजन्स जो है ना एच से, सल्फर जो है ना वो हम डायरेक्टली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है जिसको जो टू वर्ड सैम्पल्स में के जिसके टू वर्ड सैम्पल्स हैं उसमें हीलियम है। हीलियम हमारे पास जो है ना इसकी दो वर्ड्स, पहली जो है ना एच जो कि कैपिटल होना चाहिए, ई स्मॉल होना चाहिए। मैग्नीशियम जिसका सिंबल एम जी है, एम कैपिटल जी। कैल्शियम जिसकी सी ए है, सी कैपिटल एंड ए स्मॉल। क्लोरीन हमारे पास जो है ना इसके भी दो लेटर सिंबल है, C is capital and L is small. Zinc हमारे पास है तो इसमें जो है ना Z capital and N is small. कुछ हमारे पास ऐसे elements भी मौजूद है periodic tables में जिसके नाम और हो और symbol कुछ और हो। So अब ये कहाँ से लिए गए हैं? नाम तो एक ही सोडियम है लेकिन इसको हम इन्हें से, तो ये क्या मसला है? बहुत स्टूडेंट, मैं भी जब नाइन्थ में था तो इसमें मुझे बहुत डाउट थी, लेकिन मैं आज आपके सामने जो हूँ सो मैं आपकी ये डाउट भी क्लियर करने वाला हूँ। सो डोंट अफ्रेड ऑफ इट। सोडियम, ये जो कुछ सिंबल्स है पीरियाडिक टेबल में, अबाउट नाइन है, नाइन ऐसे सम सिंबल्स है पूरे पीरियाडिक टेबल में जो इसके नाम से मैचिंग नहीं करते। सो ये क्या है, कहाँ से लिए गए हैं? सो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, स्टूडेंट्स इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसके लेटिन वर्ड से, लेटिन नेम से इसके सिंबल बने हैं। लाइक सोडियम है ना, तो सोडियम का लेटिन नाम नेट्रियम है, इसका लेटिन नाम नेट्रियम है। सो इसका सिंपल इन्हें उतार के ये इसका सिंबल, सिंपल।
पोटाशियम जो है ना, इसकी जो लेटिन नेम है क्या है, कैलियम, कैलियम। सो सिंपल, वन वर्ड के एन वर्ड सिंपल। जो मरकरी है ये इसकी जो नेम है लेटिन नेम, सो हाइड्रोग्राम, हाइड्रोग्राम। और इसको एच वाई से रिप्रेजेंट करना था, लेकिन इसके एक इस तरह के कंपाउंड की एक प्रिडिक्शन रदरफोर्ड ने दी है, तो इसको रिप्रेजेंट किया बाय एच जी। ओके, हमारे पास जो सिल्वर है, सो इसकी लेटेंस जो नाम है वो अर्जेंटीनम है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड एट ए जी। जो गोल्ड है, गोल्ड को ए यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी लेटिन नाम है आवरम, आवरम। आयरन की लेटिन नाम फेरम है, फेरम। और इसकी सिंबल है एफ ई। ये जो है ना गोल्ड की आवरम, ये एफ ई जो है ना फेरम। एनोट एंटीमनी जो है ना स्टेबियम, एस पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एस पी स्टेबियम एंड एस पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेन को स्टेनम से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टेनम इसकी लैटिन नाम है और इसको एस एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट टंगस्टेन, which is their Latin name is wolfram and represented by W. I hope you will understand my lecture. If you have face any problems regarding these lectures, so please ask me in the comment sections. Students, if you have any suggestions about my videos, so kindly give me, because that is my first videos on YouTube. So like, if you like my video, so it become beneficial for me. अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको ये फ़ायदा दे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट करें, हमारी चैनल्स को आगे ले जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको पे कमेंट करें। सो और अगर आपको पसंद नहीं आए, तो बाय फोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आप हर तरह के, यू आर एबल टू डू एवरीथिंग विद माय चैनल। आई एम नॉट अ वेरी, यू मे कॉल दैट टाइप पर्सन। सो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।